दुनिया में कुछ कंट्री पैदा ही हुई है कि दूसरी कंट्री को लोगों को और दूसरी कंट्री को कैसे परेशान किया जाए। जैसे हम लोग के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, इज़राइल, चाइना है ना। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं पैलेस्टाइन एंड इज़राइल कन्फ्लिक्ट के ऊपर। अब आप मेरा टॉपिक आप देखें, मैंने टॉपिक में हेडिंग में क्या लिखा है, हेडिंग में लिखा है इज़राइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। क्या लिखा है मैंने, इज़राइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट। बहुत लोग ऐसे लिखेंगे इज़राइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, मैंने क्या लिखा है पैलेस्टाइन इज़राइल कन्फ्लिक्ट। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर कोई लिखता है इज़राइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, ये सही जो हेडिंग है परफेक्ट हेडिंग नहीं है। एक्चुअली में हेडिंग होना चाहिए पैलेस्टाइन इज़राइल कन्फ्लिक्ट। क्यों ऐसा हम क्यों आपको बता रहे हैं, आगे इसका पूरा आज एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग मेरे क्लास में जुड़ जाओ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर GS पेपर 2 UPSC एंड WBCS मेंस। तो आप लोग इस क्लास के लिए, अगर इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आप लोग सही प्लेस पे आ चुके हैं इसका प्रिपरेशन के लिए। ओके चलो, तो GS पेपर 2 UPSC एंड WBCS मेंस में इंटरनेशनल टॉपिक जो होता है उनका क्लास हम लोग आज करने वाले हैं ना। तो दिस इज़ मी मोहम्मद इंतखाब आलम खान है ना, फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आप लोग मेरा क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अब दो लोग का फोटो मैंने यहाँ पे देखो PPT में मैंने लगाया है। इस बंदे को सब लोग जानते हैं है ना, एडोल्फ हिटलर। इस बंदे का नाम क्या है, आप लोग जब वीडियो मेरा देख रहे होंगे तो पॉज करके आप आंसर कमेंट में करेंगे इस बंदे का नाम क्या है। बाबू इस बंदे का नाम है जोसेफ गोबेल। जोसेफ गोबेल्स, GOBBLES, ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। ओके ये मिनिस्टर था, इसका मिनिस्ट्री का नाम ही सुनोगे आपको पता चल जाएगा क्या घातक आदमी हुआ होगा ये। नाम मिनिस्ट्री है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। अब इन दोनों लोग का फोटो मैंने क्यों लगाया है और ऊपर में हेडिंग में क्या लिखा है, फाउंडर्स ऑफ जेनोसाइड है ना। इज़राइल पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट के पीछे ये दो आदमी का हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आदमी का हाथ है। अभी तक आप लोग जितना भी इज़राइल और पैलेस्टाइन का कन्फ्लिक्ट, पैलेस्टाइन इज़राइल का कन्फ्लिक्ट को आप लोग यूट्यूब पे इसका क्लास देखा होगा, जितना भी वीडियो देखा होगा, ये चीज़ आप लोग को बिल्कुल नहीं पता होगा कि पैलेस्टाइन इज़राइल का कन्फ्लिक्ट नहीं होता अगर ये दोनों बंदा वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं हुआ होता। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस आदमी का नाम है हिटलर और इस आदमी का नाम है जोसेफ गोबेल। गोबेल का काम क्या था, जो गोबेल का काम क्या था, प्रोपेगेंडा फैलाना, किसके खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, ज्यू पीपल के खिलाफ। हिटलर वॉज आर्यन मैन, ही वॉज आर्यन रेस मैन। ठीक, अब ज़रा सा हम लोग देखेंगे कि पैलेस्टाइन जो है 1947 में, ये पैलेस्टाइन है जितना ग्रीन कलर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है पैलेस्टाइन। और 1947 में जितना आपको वाइट डॉट्स दिखाई पड़ रहा है, दैट इज़ इज़राइल। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग देखेंगे 1948 में, हम लोग क्या देखेंगे कि इज़राइल ये वाइट वाला देखो हो जा रहा है और ग्रीन वाला पैलेस्टाइन हो गया। अब हम लोग 1969 में हम लोग क्या देखेंगे कि 1969 में ये हो गया इज़राइल और ये हो गया पैलेस्टाइन। और 2021 के आसपास में हम लोग देखेंगे तो ये हो गया है पैलेस्टाइन ये, एंड वाइट जितना आपको दिखाई पड़ रहा है दैट इज़ इज़राइल। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इज़राइल बोल के कोई कंट्री दुनिया में नहीं थी, वर्ल्ड मैप में इज़राइल बोल के कोई कंट्री नहीं है। तो कंट्री का नाम क्या है, कंट्री का नाम है पैलेस्टाइन। इज़राइल क्या है, दुनिया से अलग अलग कंट्री में जो यहूदी लोग थे उन सब को ला करके, ज्यू पीपल लोग को ला करके पैलेस्टाइन में एज अ रिफ्यूजी कैंप में रिफ्यूजी बना करके रखा गया। तो पैलेस्टाइन जो है ये एक्चुअली में ओरिजिनली अरेबिक पीपल लोग का होम, अरेबिक पीपल लोग का लैंड है। ये अरेबिक पीपल लोग के लैंड में रिफ्यूजी बना करके ज्यूज़ लोग को लाया जाता है। अब ज्यूज़ बन रिफ्यूजी बन के कैसे आए, इसका कहानी के लिए हम लोग को जानना पड़ेगा थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं कि हिटलर वॉज रिस्पॉन्सिबल, आप लोग कभी ऐसा हिस्ट्री में क्वेश्चन देखा होगा, हिस्ट्री हाउ फार हिटलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ऐसा आप लोग कभी क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। हुआ ये
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर और गॉबल मिलकर के ऐसा प्रोपागेंडा किया कि पूरी दुनिया में जहाँ भी ज्यू पीपल लोग, यहूदी पीपल लोग रहते हैं, वो लोग जिस भी कंट्री में रहते हैं उस कंट्री को अपना नहीं मानते हैं, सिर्फ अपने कम्युनिटी को अपना मानते हैं। मतलब यहूदी सिर्फ यहूदी को अपना मानता है, किसी कंट्री को अपना नहीं मानता है, मतलब इनके अंदर देशभक्ति नहीं है। इसलिए हिटलर क्या किया, ये प्रोपागेंडा फैला करके यहूदियों को मरवाना स्टार्ट किया। और फिर आप जानते हैं होलोकास्ट एक चीज़ है कि लिथियम डाल करके गैस चैम्बर में यहूदी लोग को, 60 लाख यहूदी को बंद करके रख दिया और उसमें डाल दिया लिथियम, लिथियम डाल करके यहूदियों को उसमें जेनोसाइड कर दिया यहूदियों का। आफ्टर दिस इंसिडेंट क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जब 1945 में बॉम्ब ड्रॉप हुआ, एटम बॉम्ब नागासाकी हिरोशिमा, तो बॉम्ब ड्रॉप करने वाला कंट्री का नाम था यूके एंड यूएस। अब ये जो बॉम्ब ड्रॉप हुआ, बॉम्ब ड्रॉप करने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में जब एंड हो जाता है, हिटलर का, जापान का, सबका डिफीट जब हो जाता है, डिफीट हो जाने के बाद अब जो बॉम्ब बना करके यूएस एंड यूके को एटम बॉम्ब बना के दिया था, उनसे यूएस एंड यूके पूछता है तुमको बॉम्ब के बदले में क्या चाहिए। जब एंसा पूछा कि बॉम्ब के बदले में तुमको क्या चाहिए, तो वो लोग डिमांड करते हैं एक लैंड का, बोलते कि हम लोग को एक खुद का लैंड चाहिए। तो कौन सा लैंड चाहिए, दे डिमांडेड जेरूशलम, जेरूशलम। अब ये कौन लोग थे जो जेरूशलम का डिमांड किया, जो जेरूशलम का डिमांड करने वाले सारे लोग ज्यू पीपल लोग थे। क्यों, क्योंकि बॉम्ब बनाने वाला सारे लोग जो साइंटिस्ट थे, दे ऑल वेयर यहूदी। अब ऐसा क्यों हुआ, कौन कौन सा साइंटिस्ट है जो यहूदी थे, जो बॉम्ब बनाने में जुड़े हुए, बॉम्ब से जुड़े हुए थे, एटम बॉम्ब से जुड़े हुए थे। तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखाएंगे, ये सारे पिक्चर्स दिखाएंगे। अब ज़रा सा आप लोग कभी सुना होगा कि E=mc², कभी सुना है आप लोग E=mc², दिस फार्मूला वॉज गिवन बाई एल्बर्ट आइंस्टाइन, ही वॉज अ ज्यू पीपल, ज्यू मैन। इसी फॉर्मूले के ऊपर एक थ्योरी आया, नेम इज न्यूक्लियर फिजन, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाई ओटो हान। और इस थ्योरी और फार्मूला के ऊपर एक अमेरिका में प्रोजेक्ट लगा, उस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहैटन प्रोजेक्ट। मैनहैटन प्रोजेक्ट में अमेरिका में 6000 साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे, 600 साइंटिस्ट का जो बॉस था उस आदमी का नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, और उसके साथ अलग अलग 600 साइंटिस्ट थे, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एडवर्ड टेलर एंड रोडोल्फ पिल्स। ये सारे के सारे साइंटिस्ट लोग सारे यहूदी थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में यहूदी लोग को पूरा दुनिया में मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, और हिटलर बहुत लोग को मारा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब बॉम्ब ड्रॉप किया गया और बॉम्ब बनाने वाले सबके सब साइंटिस्ट यहूदी थे, तब यहूदी लोग से पूछा गया तुमको बॉम्ब के बदले में क्या चाहिए, तब वो डिमांड करते हैं जेरूशलम। तो पूरा दुनिया से यूएस यूके मिलकर के क्या करता है, पूरा दुनिया से यहूदी लोग जहां भी थे, बचे हुए जितने बच गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उन सबको इकट्ठा करता है, जमा करके लेके जाता है कहां पे, इसराइल, पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन में वहाँ के लोकल अरबिक पीपल लोगों को क्या बोलते हैं कि इनको खाना पानी आप लोग दो, और हम लोग, एक ऐसा टाइम आएगा जब दुनिया पे कोई ऐसा ज़मीन, नो मैंस लैंड, खाली ज़मीन पे ये यहूदी लोग को ले जा करके बसा देंगे। तो ज्यू पीपल लोग जब पैलेस्टाइन आए, तो पैलेस्टाइन में वो लोग रिफ्यूजी कैंप में रहना स्टार्ट किया। ये रिफ्यूजी कैंप है सारा, और बीच में ये अरब लोग का घर, तो चारों तरफ से यहूदी लोग का रिफ्यूजी कैंप और बीच में अरब लोग का घर। अब ये अरब पीपल लोग रिफ्यूजी लोग को खाना पीना, जमीन, कपड़ा, जूता चप्पल सब कुछ देता है। एंड अरबिक पीपल से, अरबिक पीपल से यूएस एंड यूके वादा करता है कि इनको नो मैंस लैंड में शिफ्ट कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में ये ज्यू पीपल एंड यूएस एंड यूके का प्लान ये नहीं था। प्लान क्या था, प्लान ये था कि अरबिक पीपल लोग को यहाँ से सप्रेस करके इनके कंट्रीज में एक साइड कर देंगे और पूरा कंट्री पे हम लोग फैल जाएंगे। नतीजा में क्या हुआ, इसके नतीजे में ये हुआ कि आप देखेंगे 1947 में ये लोग रिफ्यूजी बन के आया था, और 2021 में पैलेस्टाइन कंट्री श्रिंक हो करके एक जगह पर सिमट गया, और बस ये जगह का नाम है गाज़ा पट्टी, और ये जगह का नाम है वेस्ट बैंक, ओल्ड सिटी ऑफ जेरूशलम। 47 में ये पूरा क्या था, पैलेस्टाइन। 2021 में बस ये पैलेस्टाइन बचा और ये पैलेस्टाइन बचा है, बाकी पूरा क्या हो गया, इसराइल। चारों तरफ से देखो इसराइल है और बीच में क्या है, पैलेस्टाइन है। अब जब इसराइल पैलेस्टाइन के पीपल लोग को हॉस्पिटल जाना है, तो हॉस्पिटल तब जा सकते हैं जब ये इसराइली पीपल लोग हॉस्पिटल इनको जाने दें।
तो ऐसा होता है कि समटाइम्स इसराइली पीपल लोग इनको पुलिस लोग रोक देते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते और रास्ते में मर जाते हैं। तब ये पैलेस्टीनियन पीपल लोग डिमांड करते हैं कि हम लोग तुमको रहने का जगह दिया, मेरा कंट्री छोड़ के जाओ। और जब छोड़ के जाने का बात करता है तब इसराइल क्या करता है, इनके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करता है। और तब ये दोनों के बीच में क्या हो जाता है, हमेशा कन्फ्लिक्ट हो चलता है। तो 70 ईयर से 70 साल से ये कन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चल रहा है, जो अभी भी चल रहा है अभी लेटेस्ट में। तो ये आप लोग समझा, अब क्वेश्चन मार्क खड़ा हुआ कि यहूदी पीपल लोग पूरा दुनिया में हर कंट्री में रहते थे, बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इनका एक भी कंट्री नहीं था, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जेरूशलम इन लोग क्यों डिमांड किया। अब इसका कारण क्या है जेरूशलम डिमांड करने का, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ज़रा आगे देखिए ज़रा फोटो में, अब ये देखेंगे इस जगह को बोलते हैं वेस्ट बैंक, इसको बोलते हैं गाजा पट्टी, है ना। ये है जेरूशलम, टेल अवीव ये इसराइल का कैपिटल है, ठीक। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखेंगे तो सीरिया है इसराइल पलस्टीन के इधर, यहाँ पे लेबनन है, इधर जॉर्डन है और यहाँ पे इजिप्ट है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो डेड सी मिलेगा और यहाँ पे है गोलन हाइट। गोलन हाइट पहले जॉर्डन के कंट्रोल में था, बाद में आप देखेंगे 1967 के वॉर में आप देखेंगे सीरिया के हाथ पास था, और सीरिया से बाद में देखेंगे 1967 में सीरिया, 6 डे वॉर चलेगा 67 में, और 1967 में सीरिया से गोल्डन हाइट को इसराइल कैप्चर कर लेगा, फिर बाद में 1981 में इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वो वापस कर देगा, है ना। वेस्ट बैंक का कुछ एरिया जॉर्डन के कंट्रोल में था, 1967 में जॉर्डन से वो लोग कंटिन्यू ले लेते हैं, 1994 में इंटरनेशनल प्रेशर के वजह से कुछ पार्ट जॉर्डन को वापस वो लोग दे देते हैं, है ना। अब ये वाला आप देखेंगे सेन्नई एक एरिया है, सेन्नई कैप्चर कर लेता है इजिप्ट से 1967 में, बाद में 1979 में इसको रिटर्न कर देता है। यही सब आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के लिए, है ना। तो गाजा स्ट्रिप 1967 में आप देखेंगे इजिप्ट से कैप्चर कर लेता है और 2005 में वो वापस दे देता है इजिप्ट को, और ये आप देखेंगे ये पैलेस्टाइन का एक पार्ट बन जाता है। तो क्यों डिमांड किया, अब ज़रा सा देखेंगे इस फोटो को। इस फोटो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे ये जो वॉल है, यहाँ पे वॉल में इस वॉल को बोलते हैं वेस्टर्न वॉल, द वेस्टर्न वॉल, और इसी को बोलते हैं ड्वेलिंग वॉल। और यहाँ पे आप देखेंगे एक मॉस्क है, इस मॉस्क का नाम है मस्जिद अक्सा, और यहाँ पे एक मॉस्क है, इस मॉस्क का नाम है मॉस्क ऑफ खसरा शरीफ। ये वेस्टर्न वॉल, एक्चुअली में वेस्टर्न वॉल है कैसे कि एक कंपाउंड है 35 एकड़ का, और 35 एकड़ का लैंड में आप देखेंगे एक तरफ है मस्जिद अक्सा और दूसरी तरफ है द गोल्डन रॉक डोम, और इसी कंपाउंड का दीवार है जिसका नाम है द वेस्टर्न वॉल। अब ये वेस्टर्न वॉल क्या है, वेस्टर्न वॉल के बारे में हम लोग ज़रा सा देखेंगे, पहले आगे ज़रा सा फोटो देखेंगे। ये आप देखिए, ये है मस्जिद अक्सा, ये है सखरा, एंड ये है, इस मस्जिद को इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन रॉक डोम, और इसी को अरबिक में बोलते हैं सखरा शरीफ। और इस कंपाउंड से ये जो वॉल लगा हुआ है इसी को क्या बोलते हैं, वेस्टर्न वॉल और ड्वेलिंग वॉल, क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न वॉल और ड्वेलिंग वॉल। अब एक और फोटो देखो ज़रा, ये आप देखेंगे ये यहाँ पे मान लो है मस्जिद अक्सा और यहाँ पे है सखरा शरीफ, और ये जो वॉल है इस वॉल से लगा हुआ ये एक टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम है डेविड टेम्पल। ये आजकल टेम्पल है नहीं, अवेलेबल नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, टूट चुका है कण, ये अभी अवेलेबल नहीं है। इस टेम्पल का नाम है डेविड, डेविड को अरबिक में बोलते हैं दाऊद, दाऊद एक प्रॉफिट का नाम है, इनके बेटे का नाम था सुलेमान, इंग्लिश में इनको बोलते हैं सोलोमोन। दिस टेम्पल और हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सन ऑफ डेविड, नेम वॉज उस सुलेमान कंस्ट्रक्टेड दिस मॉस्क, ये रहने का घर था दाऊद एंड सुलेमान का, कहाँ पे, जरूशलम में। लेकिन आप देखेंगे जरूशलम पे 70 AD के आसपास में कैथोलिक क्रिश्चियंस लोग, रोमन क्रिश्चियंस लोग अटैक करे गए, और अटैक करने के बाद इस टेम्पल को तोड़ देंगे। तो टेम्पल को जब डिस्ट्रॉय कर देंगे इसका एक पार्ट बचा हुआ रह जाएगा, या वो छोड़ दिया या बच गया, जो पार्ट जो वॉल जो इस टेम्पल का वॉल बच गया वही वॉल को आजकल हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न वॉल। मतलब एक टेम्पल का एक साइड उड़ गया, ये साइड उड़ गया, फ्रंट उड़ गया, लेकिन पीछे वाला जो बैक वाला वॉल है ये वेस्ट के साइड में पड़ता है और इसी को बोलते हैं द वेस्टर्न वॉल, ये वेस्टर्न वॉल बच गया। तो यहूदी लोग के जो प्रॉफिट है उनका नाम क्या है, यहूदियों के प्रॉफिट का नाम है दाऊद, सबसे पहले प्रॉफिट, दूसरे प्रॉफिट का नाम है सुलेमान, और तीसरे प्रॉफिट का नाम है मोसेस।
ठीक है, मोसेस। मोसेस के बाद जो प्रॉफिट आते हैं उनका नाम है जेसस, और जेसस के बाद जो प्रॉफिट आते हैं वो ना उनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद। अब इस्लाम जो स्टार्ट होता है पूरा दुनिया में, आप देखेंगे ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है, ऐसा लोग बताएंगे आपको कि इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद जब आए तब इस्लाम आया, ये बात एकदम गलत बात है। इस्लाम के पहले प्रॉफिट का नाम है आदम, आदम दुनिया पे फर्स्ट मैन ऑन अर्थ उनका नाम है आदम या एडम, एडम वॉज द फर्स्ट मैन ऑन अर्थ। जब वो दुनिया पे आए वो इस्लाम पे आए, इस्लाम लेके आए, और जितने भी प्रॉफिट आपको सुलेमान, डेविड, मूसा, जेसस, ये सारे के सारे प्रॉफिट लोग किस पे आए, ये सारे के सारे प्रॉफिट बोर्न होते हैं इस्लाम पे। तो इस्लाम आदम से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट कहाँ पे हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद पे कंप्लीट होता है इस्लाम, ठीक है। अब कुछ लोग यूट्यूब पे ऐसा पढ़ाने वाले आप लोग को बोलेंगे कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन का नाम क्या है, ये हिंदुइज्म, या बोलेंगे जूडिज्म, ज्यू, उसके बाद आएगा क्रिश्चियनिटी, उसके बाद आएगा इस्लाम। बिल्कुल बात गलत है, सबसे पहले रिलीजन का नाम है इस्लाम, उसके बाद आप देखेंगे हिंदुइज्म होगा, जूडिज्म होगा, एंड क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब चीज़ आपको मिलेगा। सिखिज्म, बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म तो और भी पहले जेसस के भी पहले आ चुका था। तो सबसे पहले आया कौन, आदम, पहले प्रॉफिट, और लास्ट प्रॉफिट का नाम था प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद जब अपने गॉड से, खुदा से मिलने के लिए जब ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल करने के लिए वो मदीना से कहाँ आते हैं, सबसे पहले जरूशलम, जरूशलम में आकर के जहाँ पे आजकल द गोल्डन डोम है ना, ये वाला फोटो ज़रा देखो, द गोल्डन डोम, यहीं पे आकर के रुके थे प्रॉफिट मोहम्मद, और इस मस्जिद में वो सब लोगों को नमाज पढ़ाए थे, जितने भी प्रॉफिट हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम 1,24,000 प्रॉफिट्स, 1,24,000 प्रॉफिट्स लोगों को क्या करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनका एक सवारी था, उसका नाम था बुराक। बुराक क्या था, एक हॉर्स पर लगा हुआ, पंख लगा हुआ, उस पर सवार होकर के वो गॉड से मिलने के लिए स्काई पे, आसमान पे चले जाते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला मस्जिद जो है इसका नाम है मस्जिद अक्सा, और इसके तरफ फेस करके पूरा दुनिया के मुसलमान लोग नमाज पढ़ा करते थे। तो मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा बहुत इंपॉर्टेंट, और ये द गोल्डन डोम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पे आकर के रुके थे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है 35 एकड़ का, ये मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यू पीपल लोग के लिए भी ये वाला लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुलेमान का जो घर था या सुलेमान का जो टेंपल है डेविड का, वो टेंपल भी कहाँ पे है, मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से लगा हुआ है, जिसका वेस्टर्न वॉल अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, वेस्टर्न वॉल अभी भी बचा हुआ है। दो रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट लैंड हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी जब जेसस को क्रूसेड किया गया था, क्रूसेड करने के बाद जब उनका डेड बॉडी को क्रूसिफिकेशन से उतारा गया, तो जिस चर्च में स्लैब के ऊपर रखा गया था वो चर्च भी वहीं पे है, सेंट कैथेड्रल, सेंट जेम्स कैथेड्रल चर्च, वो भी आप देखेंगे यहीं पे है, ये 35 किलोमीटर का जो रेडियस है उसी में वो चर्च है। मतलब क्रिश्चियनिटी के लिए जेरूशलम इंपॉर्टेंट है, मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ज्यूज पीपलों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों 1945 के बाद यहूदी लोग डिमांड करता है जेरूशलम का, बिकॉज जेरूशलम उनके हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड है ना। अब ज्यू, पहले बात तो ज्यू बोलते किसको है, यहूदी किसको बोलते हैं, तो एक प्रॉफिट है उनका नाम है इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे का नाम था याकूब, क्या नाम था, याकूब, याकूब को इंग्लिश में बोलते हैं जैकब, जैकब, और जैकब के बेटों सन को, जैकब के सन, जैकब से जो खानदान चला उन्हीं को क्या बोलते हैं, इज़राइल, यहां से ये कंट्री का नाम आया है, ठीक है। तो मोसेस, और मोसेस के पहले आप देखेंगे तो इब्राहिम, और इब्राहिम के बेटे का नाम है जैकब, और जैकब के, जैकब से जो सन लोग पैदा हुए, जैकब से जो खानदान चला उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं इसराइल, इसीलिए कंट्री का नाम इसराइल पला, क्योंकि यहूदी लोग को एक्चुअली क्या बोलते हैं, यहूदी लोग को इसराइल बोलते हैं, इसराइली, इसराइली है ना। तो यहाँ से आया, तो तीन कंट्री के लिए, तीन रिलीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रिलीजियस सैक्रेड प्लेस है, इसलिए ये लोग डिमांड करता है इस लैंड का। अब YouTube पे कुछ आदमियों को आपको ऐसा पढ़ाएगा कि यहूदी पीपल लोग को मुसलमान लोग अटैक करके ये टेंपल को डिस्ट्रॉय करके और जेरूशलम को कैप्चर कर लिया, ये बात बिल्कुल झूठ बात है, इसलिए झूठ बात है बिकॉज जब मुस्लिम लोग जेरूशलम को कैप्चर करते हैं, ये बात सही है, मुसलमान लोग जेरूशलम को कैप्चर करते हैं 691 के आसपास में, आप देखेंगे जो कैप्चर करते हैं सेकेंड सेंचुरी AD में, इस टाइम पर जब कैप्चर वैप्चर होता है
इट्स कैप्चर सलाउद्दीन अयूबी वॉज द मुस्लिम फाइटर, और वो जाकर के जरूशलम पर अटैक करते हैं। जरूशलम पर जब अटैक किया, उस जमाने में जरूशलम पर जो रूल करते वो कैथोलिक क्रिश्चियन लोग रूल कर रहे थे। कैथोलिक क्रिश्चियन लोग यहूदी लोग को मार करके जरूशलम से भगा करके जरूशलम को वो लोग रूल करने लगे। बिकॉज कैथोलिक क्रिश्चियन लोग के लिए भी जरूशलम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो चर्च जहाँ पे क्रूसेड किया गया था अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी इस्लाम के हिसाब से। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्लाम के जितने भी प्रॉफिट हैं, हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद के साथ साथ जितने भी प्रॉफिट हैं सबको कंसिडर करते हैं, सबको रिस्पेक्ट करते हैं। बाकी सारा रिलीजन क्रिश्चियनिटी एंड जूडिज्म में यही इस्लाम क्रिश्चियनिटी एंड जूडिज्म में यही फ़र्क है कि ज्यू पीपल एंड क्रिश्चियन पीपल लोग बाकी सारे प्रॉफिट को रिस्पेक्ट नहीं करते, जबकि मुसलमान लोग बाकी सारे प्रॉफिट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे जेसस, इब्राहिम, जैकोब, है ना, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, सब लोग इस्लाम के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेगा मतलब वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, वो इस्लाम से बाहर है। तो क्रिश्चियन पीपल लोग अटैक किया, अटैक करने के बाद 70 AD में जरूशलम से यहूदी लोग को मार के भगा दिया। अब जब मुसलमान लोग पावरफुल हुआ तो एक्सपेंशन, जब अंपायर का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तब ये देखेंगे मस्जिद जो है क्रिश्चियन लोग कंट्रोल कर रहा था, तो मुसलमान लोग को लगा कि नहीं ये तो मुसलमानों की मस्जिद है, फर्स्ट मॉस्क होना अर्थ और ये मुसलमानों के कंट्रोल में होना चाहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद के दित के बाद जब सेकेंड खलीफा थे हज़रत उमर, और हज़रत उमर के एक फाइटर थे उनका नाम था सलाउद्दीन अयूबी, ही अटैक्ड ऑन इसराइल मतलब पैलेस्टाइन, जरूशलम पर अटैक किया। जब अटैक किए तो कैथोलिक क्रिश्चियन लोग वो लोग डर करके खुद सरेंडर कर देता है, और तब से आप देखेंगे मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया जरूशलम, जिसको वेस्ट बैंक भी बोलते हैं, ओल्ड सिटी ऑफ जरूशलम, टिल 1994 तक मुसलमानों के कंट्रोल में रहेगा। और जब मुसलमानों के कंट्रोल में आए तो इसको रूल कौन करता था, जॉर्डन का जो किंग फैमिली है, जॉर्डन का किंग फैमिली इसको रूल किया करता था। अब ये वाला 1994 तक जॉर्डन का किंग फैमिली जो है ये इसको रूल करेगा, कंट्रोल करेगा, मस्जिद को, चर्च को, सबको कंट्रोल करेगा। 35 एकड़ का जो लैंड है वो सबको कंट्रोल करेगा, सुलेमान का जो टेंपल था उसको भी कंट्रोल करेगा। मतलब कंट्रोल करने का मतलब ये है उसका मैनेजमेंट जो रहेगा वो जॉर्डन की गवर्नमेंट के पास रहेगा, जॉर्डन के जो किंग है उनके खानदान वालों के पास रहेगा। 1994 में लेकिन देखेंगे क्या करेगा इसराइल, 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर देगा 1948 में, और 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करने के बाद अब इसराइल क्या करेगा, कंटिन्यू इंक्रीचमेंट, लैंड का इंक्रीचमेंट करेगा, और इंक्रीचमेंट करते करते 1947 में ये था, और 1947 से लेकर के 2021 में ये बन चुका है। आप देखेंगे ये बीच बीच में भी आपको यहाँ पे वाइट डॉट्स दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है अभी का आप देखेंगे मैप में तो वाइट डॉट अभी भी आपको दिखाई पड़ेगा, ये देखो ये 2021 का मैप है, जितना ग्रीन है वो क्या है इसराइल सॉरी पैलेस्टाइन, और जितना आपको वाइट ग्रीन के बीच में वाइट आपको दिखाई पड़ रहा है वो क्या है, वो है इसराइल। मतलब चारों पूरा कंट्री को कैप्चर करने के बाद ये जो थोड़ा सा एरिया बचा है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी, इसमें भी इसराइल लोग अपने यहूदी पीपल लोग को इस्टैब्लिश डे बाई डे इस्टैब्लिश करता चला जा रहा है, और ये इलीगली इस्टैब्लिश करता चला जा रहा है। जब इलीगली इस्टैब्लिश होता गया तो इसके ऊपर बहुत सारा आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सारे केसेस आया, और हर केसेस में यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल क्या बोलता है, इसराइल का इंक्रीचमेंट को इलीगल बताता है। लेटेस्ट का जो रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल का वो 2016 का है, और 2016 में भी सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, इसराइल का इंक्रीचमेंट को इलीगल बताता है। वो डॉक्यूमेंट्स मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये आप देखेंगे गाज़ा, और ये है वेस्ट बैंक जहाँ पे पैलेस्टीनियन अरब का पीपल लोग अभी रह रहे हैं। अभी इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, आज क्यों पढ़ रहे हैं, अब इसका पढ़ने का कारण ये, अब ये जो देखो ये जो वेस्टर्न, ये जो गोल्डन टेम्पल आप देखेंगे, डेविड का टेम्पल है, ये डेविड का टेम्पल आप देखेंगे क्वाइन पे बना हुआ है। 2020 में इसराइल एक क्वाइन इशू करता है और क्वाइन में डेविड का टेम्पल को बनाता है। एक्चुअली में इसराइल का प्लान ये है कि डेविड का टेम्पल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, दो बार तो टूट चुका है, ये तीसरा बार वो लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये टेम्पल तब बन पाएगा जब ये जगह खाली हो जाए, और इस जगह को खाली करवाने के लिए
डे बाय डे इसराइल क्या कर रहा है, इंक्रीचमेंट कर रहा है, और इंक्रीचमेंट करके इस जगह पे इनका टेंपल बनाने का पूरा प्लान है 35 एकड़ लैंड में, ठीक है। ये इसलिए आप देखेंगे कंटिन्यू क्या कर रहा है इसराइल, ये इंक्रीचमेंट करता चला जा रहा है। अब ज़रा सा आप देखेंगे तो 1948 में जिसके अंडर में पैलेस्टाइन को इसराइल बनाया गया वो है डेविड बेन गुरियन वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल और ये बन गया जुई स्टेट 1948 में। फिर जब ये स्टेट बन गया 1948 में तो अरब कंट्री लोग इजिप्ट नॉन लेबनान से इराक एंड सीरिया मिलके अटैक करता है इसराइल पे, डिफीट करके इसराइल को भगाने के लिए पैलेस्टाइन से, लेकिन ये सारी कंट्री इसराइल से 1948 में हार जाता है। हारने के बाद 1967 में अरब लोग फिर से इसराइल पर अटैक करता है। ये 6 दिन का वॉर चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग 6-day war। इजिप्ट और सीरिया मिलकर अटैक करता है, दोनों को डिफीट मिलता है 1967 में। नेक्स्ट अटैक सीरिया 1973 में करता है इजिप्ट के साथ मिलकर के, उसमें भी डिफीट हो जाता है। फिर इसराइल 1981 में आप देखेंगे इराक जब अटैक करता है तो इराक का क्या कर देता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑपरेशन ओपेरा नाम का एक ऑपरेशन चलाता है और इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कंटिन्यू जितना भी अरब कंट्रीज लोग मिलके जितना भी अटैक करेगा वो सबको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, सबको डिफीट कर देगा। अब ये देखेंगे यहूदी लोग का फ्लैग पे ये स्टार बना रहता है, ये 1940s का ये वाला आपको फोटो दिखा रहे हैं। जब जर्मनी में हिटलर यहूदी लोग को मारना स्टार्ट किया और मारने के बाद कुछ लोग को बोलते हैं हम छोड़ दे रहे हैं, बिकॉज पूरा दुनिया के लोग को आने वाले टाइम में पता चलेगा कि यहूदी कितना गंदा ब्लड है कि इनको अपनी कंट्री से प्यार नहीं होता है, इसी वजह से हम इनको मार रहे हैं। ये यहूदी बोल करके अपने बुक यहूदी लोग के बारे में अपना बुक में मेन कफ में हिटलर लिख देते हैं। तो हिटलर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं कि जर्मनी ऑस्ट्रिया वियना जहाँ तक हिटलर का अम्पायर था वहाँ पे जितने भी यहूदी पीपल लोग हैं उनके कपड़े में ऐसा साइन बना होना चाहिए ताकि पहचान हो कि ये यहूदी पीपल लोग हैं, और यही है सिंबल यहूदी लोग का आजकल देखेंगे फ्लैग में भी। दिस स्टार इज कॉल्ड स्टार ऑफ डेविड, इसी को ये देखेंगे फ्लैग में यहूदी पीपल लोग इस्तेमाल करते हैं। अब रीसेंट का कन्फ्लिक्ट क्या है, रीसेंट में अभी जो केस हुआ और इतना सारे न्यूज़ में जो ये केस चल रहा है जिसको पर सारा क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम्स के लिए, पैलेस्टाइन में एक जगह का नाम है शेख जर्रा में 36 फैमिली रह रहा है जिसमें 156 पीपल लोग हैं। ये 156 पीपल लोग को इनके घर से इसराइल निकाल करके इस घर को खाली करवा के यहाँ पे यहूदी लोग का हेरिडिटरी लैंड राइट को एस्टैब्लिश कर रहा है। क्या कर रहा है, यहूदी लोग को इस लैंड का मालिक बनाने का लॉ पास किया है 2009 में। ये 2009 में लॉ ये है कि वेस्ट बैंक और गाजा में जितना भी लैंड पे अरबिक पीपल लोग रह रहे हैं उस ज़मीन पे एक्चुअली हेरिडिटरी राइट है किसका, यहूदी लोग का, और ये लैंड को खाली करवा करके यहूदी लोग यहाँ पर रहेंगे। तो शेख जर्रा में 36 फैमिली का ऐसे ही घर को खाली करवा करके यहूदी लोग को इसमें रखने का अभी प्रोपागेंडा अभी काम किया जा रहा है इसराइल की तरफ से। जब ऐसा हुआ इसराइल की तरफ से तो पैलेस्टाइन का पूरा पब्लिक भड़क जाता है और भड़क करके इसराइल क्या कंसिम कर देता है, रिवोल्ट। और ये रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ तो अब देखेंगे मस्जिद अक्सा में जो मुसलमानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है इसमें इसराइली फोर्सेज लोग घुस करके बहुत तबाही मचाता है, पैलेस्टीनियन पीपल लोग को, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को बहुत मारता है और कंटिन्यू रोज चल रहा है। आप देखेंगे कंटिन्यू दोनों के बीच में लड़ाई चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि पैलेस्टाइन इसको अटैक नहीं कर रहा, पैलेस्टाइन भी इसराइल को पर अटैक कर रहा है, लेकिन पैलेस्टाइन से इसराइल को उतना नुकसान नहीं पहुंचा है जितना नुकसान इसराइल पैलेस्टाइन को पहुंचा दे रहा है। बिकॉज इसराइल इतना पावरफुल कंट्री है कि इसराइल के पास अभी न्यूज़ में देखा होगा कि आप देखेंगे आयरन डोम क्या है, आयरन रॉक डोम एक टेक्नोलॉजी है जिससे कोई भी रॉकेट या मिसाइल इसराइल के ऊपर भेजेगा उसको वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसराइल के पास एक और टेक्नोलॉजी है कि अगर कोई कंट्री मिसाइल इसराइल के ऊपर दागता है तो वो मिसाइल को घुरा करके वापस इसराइल उसी के कंट्री में भेज देगा। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। इसराइल इतना पावरफुल कंट्री है कि यूएस भी इससे जीत नहीं सकता है, तो मुस्लिम कंट्री सारी एक तरफ भी हो जाएगा तभी भी इसराइल को एयर स्ट्राइक में डिफीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमास इसके ऊपर कंटिन्यू अटैक कर रहा है। हमास कौन है, तो ये बाबू पैलेस्टाइन दो पार्ट में है। पैलेस्टाइन में वेस्ट बैंक में जो गवर्नमेंट चलाता है वो गवर्नमेंट चलाने वाला पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट पार्टी, और जो गाजा स्ट्रिप में जो गवर्नमेंट चलाता है उसका नाम है हमास गवर्नमेंट है।
तो उसका खुद का एक आर्मी और पुलिस भी होगा। लेकिन इसकी आर्मी और पुलिस चाहती है कि इसराइल को जब निकाल दे पैलेस्टाइन से, इसके लिए जब गाज़ा का आर्मी हमास लोग, हमास की आर्मी लोग जब इसराइल पर अटैक करता है तो इसराइल इसको उससे ज़्यादा पावरफुल अटैक करता है, और पावरफुल अटैक करके इसराइली पीपल लोग क्या करते हैं, इसराइली आर्मी पैलेस्टीनियन पीपल लोग को मार करके क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं वो जगह को। तो हमास को पूरी दुनिया में इसराइल जो है, इसराइल एंड यूएस मिलकर के क्या कर दिया है, इसराइल एंड यूएस मिलकर के हमास को दुनिया में टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, जबकि ये एक कंट्री की गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री का नाम, आर्मी का नाम है हमास। लेकिन आप जानते हैं इंडिया में भी जब ब्रिटिश लोग के अगेंस्ट में आज़ादी चल रहा था तो जो लोग लड़ाई करते थे ब्रिटिश के अगेंस्ट उसको ब्रिटिश लोग आतंकवादी बोलता था। तो कंट्री इसराइल बोल के कभी भी नहीं हुआ करता था। ये 1948 में ज़बरदस्ती इसको बनाया गया, इलीगली कैप्चर करके बनाया गया, और अभी भी ये कैप्चर कल चल रहा है, कंटिन्यू ये कैप्चर चल रहा है, और इसीलिए सारा लड़ाई आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब ये वाला फोटो आप देखेंगे जिसमें अभी देखेंगे रिसेंट में, ये है सखरा शरीफ द गोल्डन रॉक मॉस्क, और ये देखेंगे इसराइली फोर्सेस अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, पैलेस्टीनियन बच्चों के ऊपर, वुमेन के ऊपर, औरतों के ऊपर। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप 2020 में यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन लाया था, और इस रेजोल्यूशन में आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन में डोनाल्ड ट्रंप जरूशलम को इसराइल का कैपिटल डिक्लेयर करने के लिए रेजोल्यूशन लाता, लेकिन दुनिया का 192 या 196 कंट्री में से मेजॉरिटी कंट्री जरूशलम को इसराइल का कैपिटल बनाने के अगेंस्ट में वोट करता है, इवन इंडिया अगेंस्ट में वोट करता है। अब 1920 से ही आप देखेंगे इंडिया का स्टैंड ये है कि इसराइल को सपोर्ट नहीं करता है, हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है। जब भी इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा इंडिया ऑलवेज सपोर्ट करेगा, किसको, पैलेस्टीन को। इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगा हमेशा पैलेस्टीन को सपोर्ट करेगा, बिकॉज पैलेस्टीन गुलाम है किसका, इसराइल का। इंडिया गुलाम था किसका, ब्रिटिश का, तो गुलाम हमेशा गुलाम को सपोर्ट करता है। इसलिए इंडिया का स्टैंड, ऑफिशियल स्टैंड है यही है कि इंडिया हमेशा सपोर्ट करेगा किसको, पैलेस्टीन को, नॉट इसराइल को। अब इंडिया में आप देखेंगे कुछ जो एंटी मुस्लिम कम्युनिटी, एंटी मुस्लिम भक्त लोग, गवर्नमेंट के भक्त लोग, जो लोग मुस्लिम के अगेंस्ट होते हैं, वो लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे अभी पूरा सोशल मीडिया पे इंडिया में, एंड पैलेस्टीन के अगेंस्ट में बात कर रहे थे। लेकिन इंडिया कल यूनाइटेड नेशन में बोल चुका है कि हम लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब अंधभक्त लोग क्या बोलेगा मुझे नहीं पता, है ना। तो हमेशा से आप देखेंगे कि इसराइल को सपोर्ट इंडिया कभी नहीं करता। हाँ, इसराइल से भी अच्छा रिलेशन रखता है, फलस्तीन से भी रिलेशन रखता है, लेकिन जब भी चूज़ करना होगा बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीन तो इंडिया हमेशा पैलेस्टीन को चूज़ करेगा, नॉट इसराइल। ये हमेशा से 70 सालों से हम लोग का आप देखेंगे रहा है पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जो पहली बार पैलेस्टीन और इसराइल विजिट किया, तो आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, आप लोग जानते हैं कि मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है बेंजामिन नेतन्याहू, हमेशा जो लड़ाई झगड़ा करने वाला लोग से मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी का प्राइम मिनिस्टर है इसराइल का, उनसे बहुत अच्छा दोस्ती है, और जब मोदी जी इसराइल गए तो नेतन्याहू क्या करता है, रेड कारपेट बिछाता है, रेड कारपेट बिछा करके बोलते हैं मुंबई से आया मेरा दोस्त, नहीं बोलता है इंडिया से आया मेरा दोस्त, है ना। तो जैसे मुंबई से आया मेरा दोस्त वैसे बोलता है माय फ्रेंड केम फ्रॉम इंडिया, और वो बहुत स्वागत करता है, उनको वाइन वाइन पिलाता है, अच्छा पानी वानी खूब पिलाता है। लेकिन मोदी जी को भी हमेशा जब भी इसराइल और फलस्तीन के बीच में चूज़ करना हुआ तो उनको चूज़ करना पड़ा हमेशा फलस्तीन को, बिकॉज इंडिया का ये फॉरेन पॉलिसी है 70 सालों से कि हम लोग हमेशा फलस्तीन को चूज़ करते हैं, नॉट इसराइल। ठीक है, तो एक बात आप ज़रा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 1917 तक ओटोमन अम्पायर फलस्तीन को रूल करता था, और 1917 के बाद आप देखेंगे किसके पास आ गया पावर, ब्रिटिश के पास। ठीक है, और ब्रिटिश लोग फाइनली क्या किया, यहां पे पैलेस्टीन में इसराइल एक कंट्री बनवा दिया यहूदी लोग को ला करके। लेकिन जो वेस्ट बैंक एंड जेरूशलम था ओल्ड सिटी, उसका कंट्रोल किसको दे देता है, जॉर्डन को, जो कंट्रोल 1994 तक रहेगा, और उसके बाद 1994 से आप देखेंगे कंटिन्यू इसराइल वो जेरूशलम जो एरिया था उसमें भी इंक्रेचमेंट करना स्टार्ट कर देगा। अब जरा सा हम लोग आगे देखेंगे, तो समझ गए कैसे लोग घुस गया इंडिया में। तो जॉर्डन का जो कम्युनिटी, जॉर्डन का जो किंग फैमिली था, किंग का फैमिली, उसका नाम था हैशमाइट किंगडम, 1994 तक रूल करेगा। 2004 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
क्या देता है, एक जजमेंट देता है पैलेस्टाइन में इलीगल इंक्रेचमेंट किसका, इसराइल का। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन बहुत सारा आया जिसमें इसराइल का इंक्रेचमेंट को वो लोग क्या बोलते हैं, इलीगल बताते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल 2009 में एक पास करता है लॉ, 9 जज में से 8 जज लोग ये जजमेंट पास करता है। क्या था जजमेंट में, 2009 में इसराइल पास करता है एक लॉ। क्या लॉ है, वो लॉ ये है कि वेस्ट बैंक एंड जेरूशलम में जितने भी लैंड हैं उस पे हेरिडिटरी राइट क्लेम कर दो किसका, यहूदी लोग का। लेकिन जिस एरिया पे यहूदी लोग रह रहे हैं पूरे इसराइल में, उस पे हेरिडिटरी लैंड का राइट अगर अरबिक मुसलमानों का है तभी भी वो लैंड का राइट उनको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। लेकिन वेस्ट बैंक में जो राइट अरबिक पीपल लोग के पास है उसका लैंड का हेरिडिटरी राइट किसको ट्रांसफ़र कर देंगे, इजरायली ज्यू पीपल लोग को। ये लॉ पास किया, इस लॉ के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इसराइल 9 में से 8 जज लोग जजमेंट देता है और ये जजमेंट में इस लॉ को वो लोग इलीगल बता करके लॉ को वैनिश कर देता है। तो आप देखेंगे ईमानदारी हर जगह होता है, हमेशा हर जगह पे खराब आदमी नहीं होते। तो इसराइल में दो टाइप का पीपल लोग हैं, एक यहूदी पीपल लोग जो लोग चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, गोल्डन डोम मस्जिद अक्सा को डिस्ट्रॉय करके और वहाँ पे अपना टेंपल बना लें, और एक इसराइली पीपल लोग। दूसरे इसराइली पीपल लोग कौन है, दूसरे इसराइली लोग वो हैं जो लोग सिर्फ गोल्डन अपना टेंपल डेविड टेंपल बनाना चाहते हैं लेकिन उनको इस मस्जिद से मस्जिद अक्सा और सखरा शरीफ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप जानते हैं आजकल हर 50-60 साल में आप देखेंगे राइट विंग लोग पूरी दुनिया में गवर्नमेंट में आ जाते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू का जो गवर्नमेंट है वो राइट विंग गवर्नमेंट है और वो राइट विंग गवर्नमेंट चाहता है कि ये मस्जिद को तोड़ के डिस्ट्रॉय करके वो एरिया को खाली करके टेम्पल को बना दें। अब करोड़ रुपए का लास्ट बात आप सुन लो, लास्ट बात ये है कि ये 35 एकड़ जो लैंड है जहाँ पे मस्जिद है उस मस्जिद को सिर्फ तोड़ करके बनाना टेंपल बनाना मकसद नहीं है। मकसद एक्चुअली में ये है, आप जानते हैं एक प्रॉफिट की वाइफ थी, उनका नाम था सकीना, और सकीना का एक बॉक्स था उसको अरबिक में बोलते हैं ताबूत सकीना, उर्दू में बोलते हैं ताबूत सकीना। ताबूत का मतलब होता है बॉक्स। उस बॉक्स में अकॉर्डिंग टू यहूदी लोग इस्लाम के हिसाब से भी जितने भी प्रॉफिट हैं डेविड मोजेस ईस है ना, इन सब का कुछ सामान जैसे शॉल है ना, जैसे कपड़ा, जैसे जूता चप्पल टीथ हेयर, ये बॉक्स में रखा गया है। और एंशिएंट ज़माना में यहूदी लोग ये बॉक्स को जब भी कभी वॉर करने जाते थे ये बॉक्स को लेके आगे आगे आर्मी लोग के ट्रुप्स के आगे आगे बॉक्स को लेके जाते थे और बॉक्स को फिर बैटल फील्ड में रखने के बाद वॉर स्टार्ट करते थे। यहूदी लोग का मानना यह है कि ये बॉक्स जिसके पास रहेगा वो दुनिया पे रूल करेगा। तो यहूदी लोग ये 35 एकड़ लैंड को क्लियर इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि टेंपल तो ये लोग बना लेंगे, जहाँ पे अभी टेंपल का जगह है वहाँ पे भी बना सकते हैं। लेकिन यहूदी स्क्रिप्चर्स ज्यू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से ये जो ताबूत सकीना बॉक्स ऑफ सकीना ये 35 एकड़ का लैंड जहाँ पे मस्जिद अक्सा है वहीं पे ज़मीन में दफन किया हुआ है। तो जब तक मस्जिद अक्सा को तोड़ न दे तब तक ये बॉक्स को निकाल नहीं सकते। इसीलिए राइट विंग गवर्नमेंट बेंजामिन नेतन्याहू का प्लान ये है कि धीरे 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 35 एकड़ लैंड में अपने लोगों को बसाने के बाद लैंड को खाली करवाने के बाद यहाँ पे खुदाई करके वो बॉक्स को निकाला जाए ताकि हम लोग पूरी दुनिया पे रूल कर सकें। अब ये वाला बात साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन ये थियोलॉजी का बिलीफ है, इस्लामिक रिलीजियस बिलीफ है यहूदी लोग का। मुसलमानों के अंदर में भी ये बिलीफ है कि ताबूत सकीना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मुसलमान लोग को कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन मुसलमान लोग को भी नहीं पता कि ये बॉक्स एक्चुअली में कहाँ है, पर यहूदी लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ये बॉक्स जो है मस्जिद अक्सा के नीचे ज़मीन में दफन है। अब ये देखेंगे 2016 का 2334 ये एक रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जिसमें लैंड का इंक्रीचमेंट इलीगल बताया गया है इसराइल की तरफ से। मतलब पैलेस्टाइन में जितना भी इसराइल अपना एक्सपेंशन कर रहा है वो सारा का सारा क्या है, इलीगल है और ये वॉयलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड रेलिवेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का ये रेजोल्यूशन, बोलता है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी का जो लॉ है उसके अगेंस्ट में है जिसको तोड़ रहा है कौन, इसराइल
अपना एक्सपेंशन करके। और इस रेजोल्यूशन में प्रीवियस बहुत सारा रेजोल्यूशन का मेंशन किया गया है, जैसे 9 जुलाई 2004 का रेजोल्यूशन, जैसे 1980 का रेजोल्यूशन, 1997, ये बहुत सारा 1850, तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस को आप देखेंगे, ये बहुत सारे रेजोल्यूशंस के बारे में इसमें डिक्लेयर किया गया है कि इसराइल का जो यहाँ पे एक्सपेंशन है वो सारा सारा क्या है, इलीगल है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। मॉडर्न तक्षशिला हमारा चैनल, इसको दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से पढ़ाई करो। आप WBCS के लिए, UPSC के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ये सारा क्लासेस इस चैनल पे होगा, तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करो। माय नेम इज़ मोहम्मद इंतखाब आलम खान, फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।